2 दिसंबर से माओवादी पीएलजी का द्विशताब्दी वर्षगांठ वो मनाएंगे। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने परिपत्र जारी किया है और माना उन्हें 2004 से अब तक 3 बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ा है, जिसमें उनके 4483 लोग मारे गए, जिनमें 839 महिलाएं भी शामिल थी। परिपत्र में कहा गया कि 2004 से 2009 तक सभा जुड़ूम की विकट चुनौती रही। 2009 से 2017 तक ऑपरेशन ग्रीन हंट और इसके बाद केंद्र की समाधान योजना ने नक्सलवाद को भारी नुकसान पहुंचाया है। माओवादियों ने स्वीकार किया कि इस दौरान ग्राम से लेकर केंद्रीय समिति के नेता मारे गए, कई गिरफ्तार हुए और कई लोगों ने समर्पण किया। उनका कहना है गुरिल्ला वार नियमों को सही ढंग से लागू न करने से ये सारे नुकसान पीएलजी को उठाने पड़े, पर कुछ में आज भी वे मजबूती से खड़े हैं। परिपत्र में उल्लेख किया है कि जितने बड़े हमले हुए उन्हें पीएलजी ने ही अंजाम दिया। सीपी महादेव द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसमें विगत एक वर्ष की अवधि में उनके 50 से अधिक माओवादी कैडर विभिन्न मुठभेड़ में मारे गए इस बात को उल्लेख किए थे। हम लोग के आंकड़े अनुसार विगत वर्ष में हम लोग 65 माओवादी के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किया और इसके अलावा कई अन्य घटना में हम माओवादी के डेड बॉडी रिकवर नहीं कर पा रहे थे। जो ग्रामीण स्तर पर हम लोग का इनपुट मिला है उसी अनुसार और भी अधिक संख्या में माओवादी अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए थे। इस प्रकार विगत वर्ष में उनका संगठन को काफ़ी बड़ी नुकसान हुआ है और इसके अलावा अन्य किसी भी कई तरीके से जैसा जंगल में सांप काटने के कारण से और आईडी लगाते समय एक्सीडेंटली आईडी विस्फोट करने में भी कई माओवादी की मृत्यु हुआ। इस प्रकार विगत वर्ष में माओवादी का काफ़ी बड़ी नुकसान इस क्षेत्र में हुआ। कल्याण से मोकपाल तक 22 किलोमीटर सड़क जो कि 100 जगह से ज़्यादा काटा हुआ था उसको दंतेवाड़ा DRG छत्तीसगढ़ राउंड पुलिस और CRPF की मदद से मरम्मत करके बहाल किया गया है। इससे जियाकोटा एटेपार तेलम टेटम जैसे पंचायतों के 5,000 ग्रामीणों को प्रत्यक्ष फायदा और करीब 15,000 ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष ढंग से फायदा होगा। करीब 10 ग्राम पंचायत के लोग जिनको अपने बेसिक कार्यों के लिए कटे कल्याण ब्लॉक मुख्यालय जाने में करीब 100 किलोमीटर दंतेवाड़ा होकर आना पड़ता था, अब उनकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज़्यादा कम होगा। टेटम कैंप और इस रोड के बहाल होने से नक्सलियों के कटे कल्याण एरिया कमेटी पूरी तरह से खत्म हो गया है और इससे करीब 15,000 लोग अब नक्सल मुक्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे।